चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से बटला कमेटी ये बटला कमेटी में 1857 से 1947 का ये रिलेशनशिप बिटवीन मतलब जो रिलेशनशिप है ब्रिटिश स्टेट का प्रिंस, प्रिंसली स्टेट में और आ, 1857 से 1947 में उसमें क्या क्या चेंजेस हुए उसके रिगार्डिंग हैं तो ये रिवोल्ट हुआ था एटीन फिफ्टीन का जिसमें इंडियन प्रिंसली स्टेट मेजॉरिटी में इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के जो थे वो भाई अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत लॉयल थे उस टाइम 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्राउन रूल स्टार्ट हुआ तो जो कि उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स ने लॉयलिटी दिखाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इसके लिए उनको कुछ रिवॉर्ड्स दिए गए रिवॉर्ड्स क्या थे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वॉज गारंटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उनकी बनी रहेगी उसके बाद अब मतलब कि वो अब कोई भी सन अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे उनका आगे का जो उनकी आगे की गद्दी संभाल सकता है उसके बाद 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने जब टाइटल अडोप्ट किया था केसरे हिंद जिसका मतलब होता है क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन एटी तो उस वक्त क्या हुआ था कि द इम्फाइज ब्रिटिश ऑर्निटी ओवर एंटायर इंडिया मतलब ब्रिटिश की सोनीति रहेगी इंडिया के ऊपर पूरी और कर, लॉर्ड करजौन जो थे उन्होंने क्लियर भी कर दिया था आ, कि प्रिंसेस जो हैं वो रूल तो करेंगे मगर ब्रिटिश क्राउन के एजेंट के तौर पे फिर 1920 पे क्या हुआ है 1920 में एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया जिसको नरेंद्र मंडल भी कहा गया आ, ये क्या था ये एक टाइप का फोरम था जहाँ पे आ, रूलर्स जो थे प्रिंसली स्टेट के आ, इंडिया के वो अपने जो उनकी नीड्स हैं और जो उनके उनको चाहिए कॉलोनियल गवर्नमेंट से वो बता सकते हैं और ये जो आ, था ये 1947 फोर्टी तक चला फिर नाइनटीन ट्वेंटी को बटलर कमिटी सेटअप हुई इस कमिटी का क्या था इस कमिटी का काम ये था कि भाई इंक्वायर करो रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियन स्टेट के साथ और बताओ कि भाई इसमें कुछ मेजर्स है इम्प्रूवमेंट के लिए कोई इम्प्रूवमेंट और चाहिए कि नहीं चाहिए तो 1929 में ये बता दिया गया कि प्रिंसली स्टेट और सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन जो है वो सही चल रहा है और रीअफ़र्म कर दिया गया फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया जिसमें Uh, uh, जिसमें प्रपोज किया गया कि स्टेबलाइज इत, ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट ठीक है प्रिंसली स्टेट्स uh, के ऊपर था कि वो अब वो फेडरेशन uh, मतलब कि फेडरेशन जो ऑल uh, इंडिया फेडरेशन स्टेबलाइज किया गया था अब ये प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर था वो ज्वाइन करें या ना करें तो द प्रपोज ऑल इंडिया फेडरेशन वाज नेवर फॉर्म बिकॉज प्रिंसली स्टेट नीवर ज्वाइन मतलब ये जो प्रपोजल था ऑल इंडिया फेडरेशन का जिसमें प्रिंसली स्टेट ज्वाइन करें या ना करें यह था मगर इसमें प्रिंसली स्टेट्स ने कभी ज्वाइन ही नहीं किया है यही था टोटल बटलर कमेटी के बारे में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने छोटे से छोटे बड़े से बड़े टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा शॉर्ट एंड सिंपल वे में मैंने बनाने की कोशिश की है तो और बाकी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच